शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मुंबई में आने वाला है अभी गणपति, और आज मैं आया हूँ यहाँ पे गणपति का कारखाना है। तो आप लोगों का इसका पूरा रिवील दूंगा कि गणपति कैसे बनती है, इसका कैसे कलर होता है, कैसे डिजाइन होता है, और वो पूरी तरीके से कैसे रेडी होता है। सो कि बने रहिए चैनल पे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ब्लॉग को कर दो एक लाइक। तो अभी हम चलते हैं इस कारखाने के मालिक के पास में और उनसे हम पूछते हैं कि ये जो मूर्ति आप बनाते हो वो कैसे बनाते हो, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसा क्या है। सो आ जाओ। हाँ तो गाइस, इधर देखो, ये जो कारीगर है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए? दो साल हो गए। आप प्रॉपर काम सीख गए? आप क्या काम करते हैं? अच्छा, सबका काम अलग अलग रहता है और आपका काम? आपका तो वही काम है। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मूर्ति बनती है वो एक कारीगर से नहीं बनती है, इसमें बहुत सारे कारीगर लगते हैं, जैसे कि कलर वाला, स्प्रे वाले, इसके जो कपड़े के जो रहते हैं वो, ऐसे जो है बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसमें 8-10 कारीगर लगते हैं तब जाके एक ये मूर्ति रेडी होती है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे अभी छोटी छोटी मूर्ति है जो ऑफिसों में और घर में जो बिठाई जाती है, बाहर एक बड़ा कारखाना है इनका ही, उधर चलेंगे और बड़ी बड़ी मूर्ति आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अभी बड़े वाले कारखाने पे और ये जितनी भी आप मूर्तियां देख रहे हो वो बड़ी बड़ी 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 50 फीट, उससे भी बड़ी बड़ी मूर्ति हैं जो बड़े बड़े पांडालों में लगती है। और ये जितने भी कारीगर हैं वो इधर काम कर रहे हैं। ये देखो, किसी का हाथ पड़ा हुआ, किसी का पैर पड़ा हुआ, अभी तक ये प्रॉपर इसका सेटिंग नहीं हुआ है, इसका भी काम चालू है। तो ये जितने भी आप लकड़े के स्टैंड देख रहे हो इसके ऊपर गणपति का काम होता है, क्योंकि बनने के बाद वो सेटिंग नहीं होता, इससे पहले जो भी ऑर्डर करता है वो इधर ये साइज देके चले जाते हैं। तो अभी चलते हैं आगे की साइड। हाँ तो फ्रेंड्स, ये आप जो मूर्ति देख रहे हो इसका अभी काम बाकी है। देखो, दो उसमें वर्कर लगे हुए हैं और इसका पूरा कम्प्लीटली जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी देखो फिनिशिंग हो रही है, उसके बाद में कलर चढ़ेगा। और देखो आगे की साइड पर ये वाली मूर्ति है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये टूटी फूटी है, लेकिन अभी इसका पूरा काम बाकी, जब ये बनेगी तो इसका लुक कुछ और ही होगा। सो देखो ये शर्ट देखना, देखो इनके हाथ नहीं है, किसी का मुंह नहीं है और किसी का पैर नहीं है, तो ये पूरा अभी अनप्रोसीजर है। पूरा जब ये काम हो जाएगा अच्छा लगेगा। और ये जो मूर्ति है बड़े बड़े पांडालों के लिए होती है। तो फ्रेंड, चलते चलते हम आ गए हैं एक और कारीगर जी के पास में। तो ये करते हैं स्प्रे, उसके ऊपर फिनिशिंग देते हैं। जैसे कि आपको ये वाली मूर्ति दिख रही है, इसके ऊपर अभी आपको ये स्प्रे करके बताएंगे। मैं इधर आ जाता हूँ। इसके ऊपर स्प्रे होता है, फिनिशिंग होती है, जो हाईलाइट जो बोलते हैं वो होता है इसके ऊपर। हाँ तो फ्रेंड्स, ये आप जो मूर्तियां देख रहे हैं ये छोटी छोटी मूर्तियां हैं, और ये जो मूर्ति होती है जैसे कि किसी के ऑफिस में या फिर घर पे, तो उनके लिए ये जो मूर्तियां बनी हुई है उसे आपको इधर का रिवील करते हैं। ये देखो इस तरह की मूर्तियां हैं। और जो भी कस्टमर अगर आता है, जैसे कि ये वाली जो मूर्ति है वो हो चुकी है बुक, तो इनके ऊपर टोकन नंबर लिख दिया जाता है, तो वो जब डिलीवरी लेने के लिए आते हैं तो वो सीधा टोकन नंबर बताते हैं और मूर्ति इधर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पूरा ब्लॉग, और बहुत सारी गणपति है, छोटी साइज, बड़ी साइज, ठीक है, जितनी भी थी वो आपने ठीक है देख लिया होगा। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलके हैं नए ब्लॉग में कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।